ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन है बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम और एक्सट्रीम एक्शन हीरो और ऋतिक के हाथों में कई सारे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। दोस्तों ऋतिक अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानते हैं, चलिए एक इंट्रो के बाद। फन फाइटर ये अपकमिंग ईयर एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है वार पठान का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने और इसमें ऋतिक के साथ है दीपिका और अनिल कपूर। और फाइटर फिल्म पे सिर्फ नॉर्मल एक्शन नहीं बल्कि हवाई में एक्शन को दिखाया जाएगा। और इस फिल्म पे ऋतिक को पहली बार के लिए अपने कैरियर में एक एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में देखने को मिलेगा। और रिसेंटली उनका फर्स्ट लुक टीजर रिवील की गई है जहाँ पर तीनों का रहा काफ़ी इंटेंस एफ्टर और बैकग्राउंड में जो वंदे मातरम ऐड की गई है वो एक गूज़बम्प दिया है। बता दोस्तों जहाँ पर फाइटर फिल्म का बजट रखा गई है 250 करोड़ और फिल्म को मैसिव स्केल पे बनाई जा रही है जिसका कंपोजर पे है विशाल शेखर ने, जहाँ पर फाइटर पे लगभग 5 गाना शामिल होगा और इसका सिनेमाटोग्राफर है पठान का सिनेमाटोग्राफर सचित पावलोस ने। अगर बात करूँ VFX CGI की जहाँ पर VFX का काम कर रही है DNEG कंपनी और इसी कंपनी इससे पहले ओपेनहाइमर और एवेंजर्स एंड गेम जैसे फिल्मों पे VFX का काम किया था। और फाइटर को 25 जनवरी 2024 यानी कि रिपब्लिक डे के मौके पर की जाएगा रिलीज। नंबर 2 वार 2 यशराज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स का अपकमिंग पार्ट आ रही है वार 2। ऑलरेडी वार 2019 बॉक्स ऑफिस पर दिया था तूफान 170 करोड़ बजट था पर लाया था 470 करोड़ तक मैसिव कलेक्शन और वार था ब्लॉकबस्टर। अभी इस फिल्म का पार्ट 2 कमिंग जिसको डेट करी है ब्रह्मास्त्र का डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने और इसमें ग्रीक गॉड ऋतिक के साथ है विलेन के एक्टर में यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और एनटीआर को पहली बार के लिए इस तरह का नेगेटिव शेड में नजर आएंगे। और वाकई ही ऋतिक वर्सेस एनटीआर का इंटेंस फेस ऑफ सीन होगा एक गुजबाम वाला सीन। और जहां पर वार 2 पे लीड एक्ट्रेस के रोल पे है कियारा आडवाणी और वार 2 फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पे है। नंबर 3 क्रिश 4 सभी लोग जानते हैं इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल सुपर हीरो फ्रेंचाइज है क्रिश और जिसका फोर्थ पार्ट कमिंग जिसको डेट करने वाले हैं और एक बार राकेश रोशन ने और इसमें ऋतिक को क्रिश के एक्टर में नजर आएंगे और इस पार्ट में होगा कई सारे सांस रोकने वाला एक्शन स्टंट। और माना जा रही है कि क्रिश 4 के साथ ही साथ क्रिश 5 का शूटिंग भी एक ही साथ की जाएगा और क्रिश 4 को काफ़ी बड़ा करके एक हाई कंटेंट के साथ बनाने का प्लान है। नंबर 4 ऋतिक प्रभास फिल्म ये अपकमिंग एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद ने और इसमें ग्रीक गॉड ऋतिक के साथ है रेबल स्टार प्रभास और इस फिल्म को मैत्री प्रोडक्शन के बैनर में बनाया जाएगा। पर अभी ये फिल्म होल्ड पे है क्योंकि एक्टर डायरेक्टर तीनों ने ही काफ़ी बिजी है अपने अपने अपकमिंग फिल्म को लेकर। जहां पर प्रभास के हाथों में 3 से 4 फिल्म में अपकमिंग लाइन है, दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने भी अपनी डायरेक्शन को लेकर बिजी है और ऋतिक अपकमिंग लाइन आप तो ऑलरेडी आप जान चुके हो। नंबर 5 स्पाई यूनिवर्स यशराज फिल्म ने एक स्पाई यूनिवर्स बनाई है इंडिया पे और इसी पार्ट में असली धमाल देखने को मिलेगा क्योंकि इस पार्ट में होगा ग्रीक गॉड ऋतिक एस कबीर, भाजन सलमान खान एस टाइगर, बादशाह SRK एस पठान और तीनों का क्रॉसओवर देखना वाकई ही दिलचस्प होगा। और साथ में है जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी, एक्ट्रेस के रोल पे है दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ और ये यूनिवर्स अनडाउटली बॉलीवुड ऑडियंस के लिए एक बिगेस्ट ट्रीट होगा यानी कि इंडिया का नंबर 1 बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म इज कमिंग। तो सो ये रहा ग्रीक गॉड ऋतिक का अपकमिंग सारे फिल्मों के बारे में। तो इस लिस्ट पर कौन से अपकमिंग फिल्म के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट पे बताइए और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसे के बॉलीवुड और साउथ इंडियाज मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मालिश अजरीन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।